हाय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर मैकेनिक्स से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और जैसा ये क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लूं कि ताकि मुझे पता चले कि लोडिंग डायग्राम कैसा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अ कैंटिलीवर कैरीज अ लोड ऑफ 2 kN, 1.5 kN एंड 3 kN एट 0.3, 1.2 एंड 2 m रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स फायर्ड एंड, लिखा है वो फिक्स एंड है। ठीक है, फिक्स एंड से ये डिस्टेंस पे ये लोडिंग लगे हुए हैं और स्पान, टोटल जो स्पान है वो 2 m का है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वो ड्रॉ करके बता दूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले ये फिक्स एंड इस प्रकार से है। कैंटिलीवर की बात किया तो मतलब कैंटिलीवर इस प्रकार से है और इसका लेंथ कितना है, 2 m है। ये मैंने बना दिया 2 m। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ये जो 2 kN का लोड है वो 0.3 m जितने डिस्टेंस पे ये 2 kN लोड लगा है, ये यहाँ पर लगा है, ये आपका लोड 2 kN का यहाँ पर लगा हुआ है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा है 2 kN का लोड और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, 0.3 m है। ठीक है, उसके बाद से 1.2 m मतलब यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है और वो लोड कितना है, 1.5 kN का, 1.5 kN का ये लोड लगा है। और फिर 2 m पे, 2 m मतलब टोटल 2 m है, तो मतलब यहाँ पर फ्री एंड पे लगा हुआ है कितना, 3 kN का लोड ये लगा हुआ है। ये इस प्रकार का ये फिगर है। ठीक है, अब इस फिगर, ये आपका फिगर बन गया जिसमें मैं आपको डायमेंशन भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब यहाँ पर देखो, ये जो डायमेंशन दिया था 1.2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये 0.3 है और यहाँ से ये 0.9 होगा तो टोटल 1.2 हो जाएगा। और अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी डिस्टेंस आपको यहाँ बता देता हूँ कि टोटल 2 m है। अब ये 1.2 इधर हो गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0.8 बच जाएगा, इतना है। ठीक है, 8 m पे इस तरीके से बता दिया मैंने। अब इसको सबसे पहले तो यहाँ करना क्या है, ड्रॉ द SF एंड BM डायग्राम एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, वो भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये टेक्निक बताया था कि इसका सबसे पहले SF कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो SF कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। सबसे पहले आपका हेडिंग हो जाएगा SF कैलकुलेशन। SF कैलकुलेशन करोगे हम, मैं तो डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकता हूँ लेकिन आप कैलकुलेशन कर लोगे तो बेटर रहेगा। सेक्शन के अगर इस तरफ करते हैं तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और ये सेक्शन के लेफ्ट साइड, राइट साइड में देखते हैं तो नीचे की तरफ रहता है तो पॉजिटिव, ये साइन है। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए, अगर मैं सेक्शन यहाँ पर नामकरण मैं थोड़ा कर देता हूँ, नाम रहेगा तो बेटर रहेगा, मैं कलर सिलेक्ट करके नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ठीक है, इस तरीके का मैंने नाम दे दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो नाम मैंने दिया है तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले डी पे निकाल रहा हूँ, SF at D पर। तो SF at D पर कितना है, देखो 3 kN नीचे है, तो 3 kN अगर नीचे की तरफ है तो जब नीचे की तरफ देखा जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ सेक्शन जो लेकर चल रहे हैं तो सेक्शन में कहाँ पे जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ ये वैल्यू क्या होगी, अगर नीचे की तरफ लेकर चलेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, मैं सेक्शन के, ध्यान से समझना, मैं ये जो सेक्शन होगा यहाँ पर अगर मान लो ये सेक्शन कट करते तो ये उसके राइट साइड होता, लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं है, तो राइट साइड में नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 kN हो जाएगा। एक्चुअली सेक्शन आपको यहाँ पे सेक्शन अगर कट किया जाए तो ये उसके राइट साइड में होगा, सॉरी राइट साइड में नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +3 kN आ गया। फिर उसके बाद से हम कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन सी पर जा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन सी पर जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं SF at C। तो SF at C पे देखोगे तो पहले ये तो यहाँ तक +3 तो था ही, ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू देखोगे 1.5, ये उसमें जुड़ जाएगी, 1.5 जुड़ गई। ठीक है, ये भी नीचे की तरफ है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 kN हो गया। फिर उसके बाद से सेक्शन एट बी पे आ जाओगे,
सॉरी एस एफ एट बी की बात कर रहे हैं, तो एस एफ एट बी में ये 4.5 तो था ही, और ये नीचे की तरफ है कितना है 2 किलोन्यूटन है, तो 2 किलोन्यूटन ये ऐड करोगे तो कितना हो गया 6.5, ठीक है 6.5 हो गया। अब ये रिएक्शन तो एक ही जगह पे है, यहाँ पर ये सिर्फ, ठीक है यहाँ पर ए पर ही रिएक्शन है, तो ए पर उसका रिएक्शन जो जितना ये लोड होगा उतना ही उसका रिएक्शन होगा, तो एस एफ एट अगर ए पर लेकर आएंगे तो एस एफ एट ए पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है क्योंकि ऊपर की तरफ जितना ये होगा, क्योंकि ये जितना ये प्लस में है उतना ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर रिएक्शन जो देखोगे तो ये आर मान लो ए है तो ये कितना आएगा, जितना ये नीचे की तरफ है उतना ये ऊपर की तरफ है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6.5, तो 6.5 ये प्लस और ये 6.5 माइनस, क्योंकि एक ही जगह पर रिएक्शन है आपका। वर्टिकल रिएक्शन की बात करूं अगर तो एक आर ए पर ही है, ठीक है रिएक्शन जो है वर्टिकल रिएक्शन वो ए पर ही है, तो वर्टिकल रिएक्शन आप देखोगे तो जितना लोडिंग होता है टोटल लोडिंग कितनी है, टोटल ऐड कर लो, टोटल ऐड करने पे 6.5 आएगा, और ये जितना लोड होता है टोटल लोड उतना ही, अभी एक ही जगह पर रिएक्शन है ना, दो जगह रिएक्शन होता तो हम जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पर रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एस एफ कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद हम बी एम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है बी एम कैलकुलेशन मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, यहाँ पर साइड में बी एम कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो बी एम कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर बी एम एट डी की बात करूँ, ध्यान से समझना, बी एम एट डी की बात करूँ तो फ्री एंड है तो वहाँ पर क्या होगा, बी एम एट डी पे अगर बात करूँ तो वहाँ पे फ्री एंड है तो वहाँ पे रिएक्शन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से बी एम एट सी पे आ जाता हूँ, एट सी, सी पर अगर मैं देखता हूँ तो सी की अगर मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ, इसका थोड़ा सा मैं डायरेक्शन भी आपको बना देता हूँ, डायरेक्शन इस प्रकार से रहता है, सेक्शन के अगर मैं लेफ्ट साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस, और राइट साइड में अगर देखेंगे सेक्शन की अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो सेक्शन के राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज जाता है तो निगेटिव, और ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो निगेटिव होता है। तो ये मैं बना के आपको बताया, फिगर आपके सामने है, फिगर आप देख ही रहे हो, ठीक है फिगर अगर आपने बनाया है तो ठीक है। बी एम एट सी पे देखो मैं सेक्शन के किस तरफ ले रहा हूँ, सेक्शन के सी पे, सेक्शन के मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो सेक्शन के जितना भी, देखो सेक्शन एट सी पे बोल रहा हूँ ना, तो सी पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, तो अगर बी सी पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके मैं या तो राइट साइड कैलकुलेट करूँ या तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट करूँ, तो राइट साइड मेरे लिए आसान होगा क्योंकि यहाँ पे 3 किलोन्यूटन है, तो 3 किलोन्यूटन को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो कैसे जा रहा है ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो निगेटिव में होगा, कैसे जा रहा है देखो, अगर देखोगे ये सी पे तो क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो निगेटिव होगा, उसके अगर राइट साइड में ले रहे हैं सेक्शन के राइट साइड को लेकर चल रहे हैं तो कितना होगा, ये -3 है इंटू डिस्टेंस कितना है 0.8 है, तो 0.8 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी है 8 × 3 = 24 मतलब 2.4 किलो न्यूटन माइनस में आएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, तो ये आपका सी का मिल गया, ठीक है। उसके बाद से बी एम एट बी पे हम कैलकुलेट करेंगे, बी एम एट बी पे, अब बी पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देना बी पर, बी पर या तो मैं देखो सी पर तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बी पर अगर या तो मैं राइट साइड कैलकुलेट कर लूँ या तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट करूँ, तो राइट साइड मेरे लिए आसान है, देखो पहला क्या करेंगे 1.5 लोड को लेके चलेंगे तो जो भी बेंडिंग मोमेंट होता है क्या होता है लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस, तो ये 1.5 इंटू कितना डिस्टेंस है 0.9 है इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 0.9 है, फिर बाद में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना है माइनस ये भी होगा 3 इंटू कितना डिस्टेंस होगा देखो 0.9 और 0.8 दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.7 हो जाएगा, 1.7 डिस्टेंस है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करोगे कैलकुलेट करके, तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके आंसर बता देता हूँ, एक का अगर करते हैं 1.5 इंटू 0.9 के साथ करो फिर बाद में प्लस कर दो उसी में ब्रैकेट लगा दिया 3 इंटू 1.7 कर रहा हूँ ब्रैकेट क्लोज, तो आपकी वैल्यू आ जा रही 6.45 माइनस में आएगा 6.45 किलो न्यूटन इंटू मीटर आएगा, ठीक है ये चीज़ें ध्यान रखेंगे।
फिर बी एम एट सी मिल गया, बी एम एट बी मिल गया, ठीक है, और बी एम एट डी भी मिल गया, बी एम एट ए निकाल लेते हैं, बी एम एट ए चाहिए, तो बी एम एट ए में देखोगे तो ये तीनों को लेकर चलेंगे, तीनों का, हालांकि सबका डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी एम एट ए लेंगे, तो अगर मान लीजिए कि 1.5 को लेकर चलते हैं, 1.5 डिस्टेंस, ये भी माइनस में होगा क्योंकि मैं उसके राइट साइड ए सेक्शन ए के राइट साइड लेके चल रहा हूँ, तो माइनस 1.5 इंटू ये 0.3 दिया है, ठीक है, डिस्टेंस एक सॉरी डिस्टेंस मैं देख लेता हूँ, लोड देख लेता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट लोड है, मैं यहाँ पे फिगर नहीं देख रहा हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पहला लोड है 2 किलो न्यूटन का, वो 0.3 दिया है, ठीक है, तो माइनस 2 इंटू 0.3 आ जाएगा एक, फिर बाद में प्लस माइनस 1.5 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है 1.2 जितना दिया था, और माइन प्लस करके माइनस 3 इंटू इसका डिस्टेंस 2 दिया है, ठीक है, ए तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 होगा, इन सब का कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आएगा देखो 2 एक ब्रैकेट में 2 इंटू 0.3 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक ब्रैकेट में 1.5 इंटू 1.2, ठीक है, फिर बाद में प्लस एक ब्रैकेट में 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल करोगे तो आपका 8.4 आ रहा है, और सब माइनस में होंगे क्योंकि सिंबल इसलिए ऐड किया मैंने, 8.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आ गया आपका, ठीक है, सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने डायग्राम बनाया था एक बार डायग्राम बना के और इसके अकॉर्डिंग मैं इसका एस एफ और बी एम कैलकुलेट कर दूँगा, यहाँ पर ही मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आपका डायग्राम जो था ये था, आपका डायग्राम ये था, यहाँ पर ये कैंटिलीवर है जो ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का लोड लगा था, फिर बाद में यहाँ पर सी पॉइंट पे 1.5 वन मिनट, वन पॉइंट फाइव किलो न्यूटन था, और फ्री एंड पे 3 किलो न्यूटन का लोड था, यहाँ पर 0.3 है, ये 0.9 आ रहा था, ये 0.8 आ रहा था, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो हमने सब कैलकुलेट तो कर लिया है। अब इसका एस एफ कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डैश डैश करके लाइन बना लेना हर सेक्शन पे, ठीक है, ये सेक्शन पे कर लिया। अब एस एफ कैलकुलेशन करना था, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू प्लस में 3 आई थी, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, कलर अलग ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर आपका ये 3 किलो न्यूटन तक आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये 3 किलो न्यूटन तक यहाँ पर लोड था तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद से यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये सीधी लाइन आ जाएगी, सीधी आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोड ही नहीं है इनके बीच में, तो ये एकदम कांस्टेंट आएगा। फिर बाद में 1.5 और ऐड हुआ तो कितना हो गया था, ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी प्लस है तो ऊपर की तरफ गया, तो 1.5 ऐड हो गया तो कितना आ गया यहाँ पे 4.5 आ गया था। फिर इसके बीच में भी कोई लोड नहीं है तो इस तरीके से लाइन बना लो, ठीक है, फिर उसके बाद 2 किलो न्यूटन और ऐड किए तो यहाँ पर आ गए, कितना हो गया था 6.5 वन मिनट 6.5 किलो न्यूटन हो गया था, और इसके बीच में भी कोई लोड नहीं है तो ये सीधी लाइन आ जाएगा, और सीधी लाइन आ जाएगा तो फिर उसके बाद से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सब पॉजिटिव में है, ठीक है, तो इस प्रकार का उसका एस एफ डायग्राम ड्रॉ हो गया, ये एस एफ डायग्राम है, ठीक है। अब उसके बाद से मुझे बी एम डायग्राम भी चाहिए, बी एम डायग्राम, तो बी एम डायग्राम इसके नीचे हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर बी एम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या था, जीरो था, तो ये जीरो रहेगा, फिर बाद में बी पे क्या वैल्यू आई थी, बी पे क्योंकि यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो डी पे तो जीरो था, सी पे क्या वैल्यू आई थी देख लेते हैं, सी पे कैलकुलेशन करने पे वन मिनट, देखो सी पे आपका आया था -2.4, ठीक है, सी पे आया था कितना -2.4, तो -2.4 डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, देखो ये सीधा लाइन आएगा, हाँ सीधा, क्योंकि ये सीधा इसलिए आएगा क्योंकि इसके बीच में कोई लोड नहीं है, और एस एफ कैसा है कांस्टेंट है, तो ये लीनियर आता है, जब ये कांस्टेंट रहता है तो लीनियर आता है, सीधी लाइन आएगी, और यहाँ पे कितनी होगी 2.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये समझ लेना। फिर बाद में बी पे कितना आया था देख लो, बी पे देखोगे तो
-6.45, तो ये और नीचे जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस जो लाइन थी, ये जो लाइन था, इसको और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, हालांकि डैश डैश करके बढ़ाने का, तो ये और जाएगा कितना, यहाँ पर मान लो 6 समथिंग आ रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ सिर्फ सी से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो गया। फिर उसके बाद से जो ए था वहाँ पर कितना आया था, आई थिंक मेरे ख्याल से 8.4 जितना था, ये 6.45 था, लिख लेता हूँ मैं 6.45, यहाँ पर 6.45 था। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये लीनियर ड्रॉ करना है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके अच्छे से बना देता हूँ, एकदम लीनियर, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। ये कैसे था, ये ऐसे था, ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये 8.4 है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको वैल्यू दिखेगी, ये 8.4 वो भी माइनस में है, तो इसकी वैल्यू भी ड्रॉ कर देते हैं, 8.4 जितना, तो 8.4 इसके ऊपर ही आएगा, यहाँ पर आएगा, ये भी क्या लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई लोड नहीं है, फिर बाद में यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ये 8.4 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये सब माइनस में है, तो इस तरीके का जो डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ये जो डायग्राम आपको देखने को मिला, ये उसका बीएम डायग्राम है। तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप कैलकुलेट करिए। इस तरीके से देखिए, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा दिया, एसएफ डायग्राम, बीएम डायग्राम, यहाँ पे बीएम कैलकुलेशन, यहाँ पे एसएफ कैलकुलेशन, ये सब कुछ यहाँ पर करके बता दिया है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। तो इस तरीके का अभी जब भी क्वेश्चंस आए तो इसी तरीके से कैंटिलीवर बीम को सॉल्व करिए, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।